नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आप सभी देओल परिवार को तो जानते ही होंगे, जो कि 70s से अभी तक इंडियन ऑडियंस का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। दोस्तों बता दें आपको कि देओल फैमिली हमेशा ही देश की विपदा में सहायता के लिए आगे आती है, और इस बार भी दोस्तों कोरोना महामारी जैसी बीमारी में उन्होंने सहायता के लिए आगे आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देओल परिवार, जिसमें धर्मेंद्र देओल जो कि 70s के एक बॉक्स ऑफिस किंग कहे जाते थे, और दोस्तों बॉलीवुड में अगर किसी सुपरस्टार के नाम सबसे ज्यादा हिट देने का रिकॉर्ड है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है धर्मेंद्र देओल का, जो कि अभी तक अनबीटेबल है। उसके बाद दोस्तों नाम आता है यहाँ पर सुपरस्टार सनी देओल सर का, जिन्हें की ऑडियंस काफी पसंद करती थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल सर जो कि देशभक्ति के ऊपर कई सारी बड़ी फिल्में ला चुके हैं, और दोस्तों इन्होंने दिखा दिया है कि इनसे बड़ा देशभक्त इंडिया में कोई भी नहीं है। वही दोस्तों तीसरे रहे थे सुपरस्टार बॉबी देओल सर, जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस देओल परिवार की एक और नई कड़ी करण देओल ने भी अपनी पहली फिल्म काफी अच्छी बनाई थी और ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। हालांकि दोस्तों आज के समय में देओल परिवार को ऑडियंस उतना सपोर्ट नहीं करती जितना कि देओल परिवार ने इंडियन ऑडियंस का सपोर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार सनी देओल ने अपने अकाउंट से कोरोना महामारी के लिए लगभग 50 लाख रुपए की धनराशि गरीबों की मदद के लिए दी है, जो कि दोस्तों एक बड़ा अमाउंट है। और उन्होंने दिखा दिया है कि भले ही उनकी फिल्में आज के समय में ऑडियंस देखे या ना देखे, वो हमेशा ही देश की सहायता के लिए आगे आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल रही हेमा मालिनी मैम ने भी अपनी धनराशि में से और सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए की धनराशि गरीबों की मदद के लिए दी है। इस तरह से दोस्तों इस अकेले परिवार की तरफ से लगभग 1,51,00,000 रुपए की धनराशि गरीबों की मदद के लिए दी गई है। बताते चले दोस्तों आपको कि धर्मेंद्र देओल, सनी देओल और बॉबी देओल को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, और उनकी फिल्में हमेशा ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहती थी। सनी देओल ने गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, जिसे कि आज भी ऑडियंस काफी पसंद करती है। बताते चले दोस्तों आपको कि सनी देओल के अलावा यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार सर ने भी अपनी धनराशि में से 25 करोड़ रुपए का दान यहाँ पर गरीबों के लिए किया है। इसके अलावा यहाँ पर शाहरुख खान, सलमान खान और कई ऐसे और भी बड़े सुपरस्टार्स के नाम इस लिस्ट में आ गया है, जिन्होंने गरीबों की सहायता के लिए अपनी धनराशि में से दान दिया और दिखा दिया कि ये लोग हमेशा ही गरीबों की मदद के लिए आगे आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप जिस तरह से सुपरस्टार सनी देओल और हेमा मालिनी ने गरीबों की मदद की है, क्या आप इस परिवार की पीढ़ी को बॉलीवुड में आगे आने के लिए हम सभी को भी मदद करनी चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।